नमस्कार मेरे को फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमदा और आप देख रहे हैं डिज़ाइन 707। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी शर्ट्स के ऊपर एक अपनी इमेज किस तरह लगा सकती हैं, या लोगो लगाना है वो किस तरह लगा सकते हैं, कुछ टेक्स्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो मॉकअप के तौर पर, तो मॉकअप्स आप लोगों को नेट से कहीं से भी गूगल से मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप लोग कोई भी मॉकअप्स डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी किस्म का, शर्ट्स का, किसी का भी, लोगो वगैरह का। तो सिंपली मॉकअप आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सिंपली इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो एक फोल्डर बनेगा, फाइल आ जाएगी आपके पास। तो आपने इसको ओपन करना है, इस फाइल को, और इसको ओपन करने के बाद आपके पास ये आएगा इंटरफेस। तो यहाँ पर आपके पास लेयर्स हैं, लेयर्स वाला पैनल है। तो सिंपली आप लोगों ने पहले देख लेना है कि इमेज, ये जो जहाँ पर जिस चीज़ को आपने एडिट करना है वो चीज़ कहाँ पर है। तो ये देखिए, मैंने ऑफ़ किया, ऑन किया, नहीं है ये देखिए, ये था इसका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली नीचे आता हूँ, इसके बाद ये ऑफ़ किया, ये देखिए ये था इसका, ये हाइड हो गया यहाँ से। तो इसको ऑन करता हूँ तो ये देखिए, ये शो हो रहा है मेरे पास। तो इस इधर आकर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक अलग से पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। मतलब यहाँ से मैंने तीनों टेक्स्ट हाइड किए, ये भी हाइड किया। यहाँ मैं लेकर आता हूँ अपना लोगो। तो यहाँ लोगो लाने के बाद यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ, और अब क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से भी इसको कैंसिल करूँगा। बाकी चीज़ें मैंने हाइड कर दी। इस पेज पर जो भी आपका शो होगा वो आपकी शर्ट पर, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ पर यस पे क्लिक कर दूँगा कि वो इस वाली फाइल को सेव कर ले। मैंने यहाँ पर सिंपली यस किया कैंसिल करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास इस शर्ट के ऊपर ये लोगो आ गया है। यहाँ देख सकते हैं कितने ब्राइट पिक्सल्स हैं हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि इसको चेंज करें। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली जहाँ पर ये था, ये देखिए, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पैनल ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पर इस पेज के ऊपर जो भी करूँगा ना, जो भी करूँगा इसके ऊपर, वो वहाँ पर आपको शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको कलर ब्लू दे दिया और ओके कर दिया। इसको मैं यहाँ नीचे लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूँगा, ओके करता हूँ। यहाँ पर ये टेक्स्ट मेरे पास शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको सिंपली यहाँ लाता हूँ और इस पर क्लिक करके इसका मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ। तो सिंपली मैंने इसका टेक्स्ट चेंज किया। अब आती है इसकी बारी, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कुछ भी। अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, मैं इसको हाइड कर दूँगा। ये मैं इधर लेकर आया ना, सिंपली ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना लोगो ले आया इसी तरह। अब मैं इसी को इस तरह क्लोज करूँगा और यस पे क्लिक कर दूँगा, ये उसको सेव कर देगा। और ये हमारा उस शर्ट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये हमारी बैक साइड थी, ये हमारी फ्रंट साइड थी। इस तरह हम लोग अपनी मॉकअप्स रेडी कर सकते हैं। अगर हमने किसी क्लाइंट को दिखाना है कि हमने अपनी शर्ट के लिए उसने लोगो तैयार करवाना है, तो आप उसको लोगो बनाने के बाद आप उसको मॉकअप के ज़रिए इस तरह उसको शो करवा सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा लगेगा, तो वो उसको देखने वाले को भी अट्रैक्टिव लगेगा। इसके बाद हमारे पास एक और आता है यहाँ पर, ये हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट वाली इमेज आ रही है, ये हमारे पास लोगो थी। तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास लोगो आ रहा है यहाँ पर,
मेरे पास ये लोगो आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हाइड। इसको मैंने किया सिंपली हाइड, और मैं यहाँ से अपना लोगो लेकर आता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे थीम पर, और टिक कर देता हूँ, इस वाले को हाइड कर देता हूँ जो बैक पे था यहाँ पर। और सिंपली करने के बाद इस एरिया पे जो भी मैं करूँगा वो वहाँ पर हमारे लोगो पर मेन पेज पर शो होगा। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कैंसिल करके यस करता हूँ ताकि ये इसको सेव कर दे। सेव करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने है, मैं यहाँ पर कोई भी लोगो या कोई भी इमेज लेकर आऊँगा तो वो ऐसे ही इसको कर देगा सिंपल क्लिक में। अगर मैं चाहता हूँ मैं ये वाला टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ तो इस टेक्स्ट को ये देखिए मैं हाइड भी कर सकता हूँ, या इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको टेक्स्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट है मेरे पास, ये देखिए, ये इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, सिंपली डबल क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, टेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। अगर आपको क्लाइंट के लोगो कहते हैं तो आप उसको इस तरह भी शो करवा सकते हैं, लोगो सेंड कर सकते हैं। अगर आपको अपना मॉकअप भी चाहिए तो आप यहाँ पर इस तरह रेडी कर सकते हैं मॉकअप, अपना लोगो को इस तरह सिंपल क्लिक में लोगो बनाने के बाद इस तरह आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, इस तरह आप लोग शो करवा सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यही थी कि आप लोग किस तरह इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किस वेबसाइट से, वेबसाइट भी मैंने आप लोगों को बता दी, और यहाँ पर आपको करने का तरीका भी बता दिया कि आप लोगों ने सिंपली चेक कर लेना है कि कहाँ पर है लोगो, और उस पर डबल क्लिक करना है, वो एक अलग पेज पर ले जाएगा आपको, और वहाँ पर आप लोगों ने अपनी पिक्चर, लोगो, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर करना है, टैक्स है, कुछ भी है, वो यहाँ पर ला के कैंसिल करके यस कर देना, और वो लोगो आपका लग जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।